दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे कमाल के छोटे छोटे टूल्स दिखाने वाले हैं जिनके यूजर्स बड़े ही कमाल के रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 9, स्मार्ट फेंस गैलागर। दोस्तों फेंसिंग करने की जरूरत हमें उन जगहों पर अक्सर पड़ ही जाती है जहां पर एकदम ओपन स्पेस होता है और आप चाहते हैं कि कोई भी आपके पर्सनल एरिया को पार करके अंदर ना आए, तो इसके लिए आप इस तरीके की स्मार्ट फेंसिंग कर सकते हैं जो कि काफी तेजी से हो जाती है, जिसे कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएंगे। नॉर्मल अगर आप फेंसिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और साथ ही ये काम बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन इस गैजेट से इस काम को बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। इसमें छोटी छोटी स्टिक्स लगी होती है और साथ ही पतले वायर्स के साथ ये जुड़ी रहती है, जिसे कि आप एक सिरे से होते हुए दूसरे सिरे तक फेंसिंग कर सकते हैं। ये काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा और जब चाहें इसे आप दोबारा से हटाकर भी रख सकते हैं। तो कमाल का ये गैजेट रहता है जो कि फेंसिंग करने के लिए बनाया गया है। नंबर 8, क्लच पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सीमेंट मिक्सर। दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तो सीमेंट मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट तैयार करने के लिए, लेकिन अगर प्रोजेक्ट छोटा है या फिर घर वगैरह बनाने के लिए सीमेंट तैयार करना है तो ऐसे में हमें बड़े मिक्सचर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम ज्यादातर तो हाथों से ही किया जाता है, लेकिन इस काम में काफी समय लगता है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि खास तौर पर एक तरीके का पोर्टेबल सीमेंट मिक्सचर होता है जिसका इस्तेमाल छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकेगा। अगर आपका घर वगैरह बनना है तो आप इस तरीके के छोटे से सीमेंट मिक्सचर को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि काफी समय और पैसे दोनों की ही बचत करेगा। इसमें पीछे की तरफ एक छोटी सी मोटर लगी होती है और आगे एक आपको बड़ा सा ड्रम देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप सीमेंट गिट्टी वगैरह डालकर एक बेहतरीन आरसीसी तैयार कर सकते हैं और जहां जरूरत हो इस मशीन को पोर्टेबिलिटी के साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो कमाल का ये सीमेंट मिक्सचर रहता है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, स्किल इलेक्ट्रिक स्क्रैपर। दोस्तों अगर आपकी फर्श पर दाग पड़ जाते हैं या फिर किसी ऐसे सरफेस पर स्पॉट आ जाते हैं जिन्हें कि आपको खुरच कर निकालना हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के स्क्रैपर को। ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक स्क्रैपर होता है जो कि एक बेहद पोर्टेबल डिवाइस है। इसका काम ही होता है कि चीजों को खुरच कर बाहर निकालना। इस गैजेट के साथ आपको काफी सारे अटैचमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आप इसके साथ ट्राई करके देख सकते हैं। वहीं इसमें आपको अलग अलग साइजेस के ब्लेड भी मिल जाते हैं, जिससे कि खुरचने का काम काफी आसानी से किया जा सकेगा। तो इस तरीके का गैजेट कारपेंटर्स लोगों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, कि वो लकड़ी पर भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों यूजर्स तो इसके छोटे से रहते हैं, लेकिन जहां पर इसकी जरूरत होगी वहां पर ये काफी बेहतरीन तरीके से अपना काम करता है। नंबर 6, ओरेगन कॉर्डलेस स्वीपर। दोस्तों झाड़ू लगाना तो काफी सरदर्दी वाला काम है और ये सरदर्दी तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हमें आउटडोर में झाड़ू लगानी होती है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, जो कि आपके इस काम को आसान बना देगा। दोस्तों नॉर्मल अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो इसमें काफी समय तो जाता ही है और हो सकता है उतनी अच्छी आपको सफाई भी ना मिले, लेकिन इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिससे कि साफ सफाई का काम मिनटों में किया जा सकता है। इसमें एक पावरफुल ब्रशलेस मोटर होती है और नीचे की तरफ साफ करने के लिए ब्रशेस के पेयर्स होते हैं, और जैसे ही आप इसके स्विच को ऑन करते हैं तो ये ब्रशेस काफी तेजी से रोटेट होते हैं, जिससे कि साफ सफाई का काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक बैटरी ऑपरेटेड कॉर्डलेस गैजेट है, जिससे कि आप इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। आपको पावर की कोई टेंशन नहीं रहेगी, बस इसकी बैटरी को चार्ज करके चेंज करते रहिए और अपने साफ सफाई का काम जारी रखिए। तो दोस्तों अगर आपको भी आउटडोर में साफ सफाई के लिए एक ऐसे गैजेट की जरूरत हो तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके साफ सफाई के काम को काफी तेजी से करेगा। नंबर 5, मोबी लिफ्ट। दोस्तों कभी कभी कुछ भारी सामान ऐसा होता है जिसे उठाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है, और अगर आप इस काम को अकेले कर रहे हैं तब तो और भी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों इसके लिए आप इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि भारी सामान को उठाने में आपकी काफी मदद करेगा। इस लिफ्ट की खास बात ये होती है कि फ्लैट सरफेस जैसी किसी भी चीज को आसानी से उठा सकता है, जैसे कि लकड़ी के बोर्ड या फिर इसी तरीके की चीजें। बस इस लिफ्ट को आपको उसके पास ले जाकर उस पर फिक्स कर देना होगा। इसमें चार सक्शन कप्स लगे होते हैं जो कि वैक्यूम टाइट हो जाते हैं और आपके सामान को बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रिप करेंगे। इस लिफ्ट के साथ आपको एक छोटा सा रिमोट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इस मशीन को कंट्रोल कर पाएंगे। वहीं इस पर ग्रिप्ड आइटम को आप 360 डिग्री पर रोटेट भी करा सकते हैं और अपने हिसाब से उसे एडजस्ट भी कर पाएंगे। तो काफी सारे कमाल के फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं आपको इस छोटी सी मशीन में, जिससे कि भारी भरकम सामान को बड़ी ही आसानी से उठाया जा सकता है। नंबर 4, स्पिल बस्टर जेस्पिल स्पॉट क्लीनर। दोस्तों कभी कभी कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जिन पर अगर दाग लग जाएं तो उन्हें साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो आप उन्हें धो सकते हैं ना ही गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से दाग और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उस सरफेस के खराब होने की भी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इसके लिए खास तौर पर इस तरीके के छोटे से गैजेट को बनाया गया है, जो कि देखा जाए तो एक तरीके का वैक्यूम क्लीनर ही होता है, लेकिन इसमें आपको क्लीनिंग के और भी सारे मेथड्स दे रखे होंगे। जैसे कि दोस्तों अगर कोई एक ऐसा सरफेस गंदा हो गया है जो कि कपड़े का बना हुआ है, तो उसके इस हिस्से को आप बड़ी आसानी से धो सकते हैं इस गैजेट की मदद से,
क्योंकि दोस्तों इसमें वैक्यूम क्लीनर्स तो लगे ही होते हैं, साथ ही एक छोटा सा स्प्रेयर भी लगा होता है जो कि स्प्रे करता है और आसानी से धोकर उतनी जगह को साफ किया जा सकता है। तो इस काम में ये गैजेट काफी कमाल का रहेगा। इसके नीचे की तरफ एक छोटा सा स्टोरेज कंटेनर लगा होता है जो कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है, जिसे कि आप इजीली निकाल कर साफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का गैजेट खास तौर पर कार के इंटीरियर्स वगैरह को क्लीन करने के लिए बनाया गया है, और वहीं अगर आप कारपेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस गैजेट की मदद से आप उसे भी साफ कर पाएंगे। नंबर 3, माइनक्राफ्ट ग्रैबर। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे खास तौर पर कारपेंटर्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि अक्सर लकड़ी काटते समय उन्हें लकड़ी को धीरे धीरे खिसकाना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफी दिक्कत आती है और ज्यादातर इस तरीके का काम हाथों से ही किए जाते हैं। लेकिन कटर में लकड़ी काटते वक्त बहुत कम ग्रिप करती है वो, और आपके हाथों के भी फिसलने का खतरा बना रहता है, जिससे कि कटर से आपको चोट भी लग सकती है। तो इसके लिए खास तौर पर इस तरीके के ग्रिप हैंडल को बनाया गया है जो कि खास तौर पर लकड़ी जैसे किसी भी सरफेस को बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रिप करता है। इस हैंडल की मदद से आप इजीली लकड़ी को ग्रिप करके स्लाइड कर सकते हैं, जो लकड़ी काटते वक्त काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो इस गैजेट को खास तौर पर कारपेंटर्स के लिए बनाया गया है कि लकड़ी काटते वक्त वो इस तरीके की चीज का इस्तेमाल कर पाए, जिससे कि उनकी चोट लगने का खतरा काफी कम हो जाए। वहीं दोस्तों इससे आप लकड़ी के अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल्स को ग्रिप कर सकते हैं जहां पर आपको इसकी जरूरत हो। तो बेहद छोटा सा ये गैजेट रहता है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। नंबर 2, ब्रशलेस रैचेट। दोस्तों बहुत सारी मशीन्स वगैरह में ऐसे फास्टनर्स लगे होते हैं जिन्हें कि ओपन करना काफी मुश्किल होता है, और समय के साथ साथ फास्टनर जाम भी हो जाते हैं, जिससे कि आपको उन्हें ओपन करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस काम को करने के लिए खास तौर पर इस तरीके का गैजेट बनाया गया है जो कि फास्टनर्स को ओपन करने के लिए काफी कमाल का रहेगा। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है जो कि बैटरी ऑपरेटेड रहता है। इसके साथ आपको बहुत सारे अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा सकेगा। फास्टनर को ओपन करने का काम इस गैजेट की मदद से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। वहीं इसका इस्तेमाल आप सक्रिय जगहों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे के हिस्से को काफी पतला बनाया गया है। इसके आगे के हिस्से में आपको एक छोटी सी एलईडी रिंग लाइट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके वर्क स्पेस पर लगातार उजाला करती रहती है, जिससे कि काम करते वक्त आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। तो कमाल की ये टेक्नोलॉजी रहती है जो कि फास्टनर्स को ओपन करने के लिए ही बनाई गई है। नंबर 1, सुपर फायर हैंड टॉर्च। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस काफी ज्यादा किया जाता है। अक्सर काफी बड़े बड़े लोहे के पाइप्स होते हैं जिन्हें की आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग कर दी जाती है उनकी, लेकिन इस काम को करने के लिए काफी बड़ी बड़ी वेल्डिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें की ऑपरेट करना भी बहुत ज्यादा सरदर्दी का काम होता है। लेकिन इसी काम को इजी वे में करने के लिए खास तौर पर इस तरीके के छोटे से गैजेट को बनाया गया है, जिससे कि वेल्डिंग और सोल्डिंग जैसा काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बस आपको इसकी लाइट फ्लेम का इस्तेमाल करना होगा जो कि आपको एकदम पॉइंटेड देखने को मिलती है, जिससे कि किसी भी जगह पर इसका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से किया जा सकेगा। इसके साथ आपको अलग अलग तरीके के काफी सारे अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि जरूरत के हिसाब से काफी बेहतर रहेंगे, और आप किसी भी जगहों पर आसानी से वेल्डिंग का काम कर सकते हैं इस गैजेट की मदद से। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। वहीं वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है ये बात भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।